वेलकम दोस्तों, वेलकम टू इन्फाइनाइट लेबोरेटरी। और आज हम आए हैं नेक्स्ट ऑटोमेशन की नेक्स्ट ई व्हीकल कंपनी में, जहां पर हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बाइसिकल्स के फीचर के बारे में बात करेंगे और फिर इसको हम एक टेस्ट ड्राइव भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो बाइसिकल है उसका पूरा लुक देख लेते हैं। इस बाइसिकल का नाम है नेक्स 90 और यहाँ पर उनकी वेबसाइट की डिटेल भी है, www.motorkit.in। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लुक काफ़ी बढ़िया दिया है। एक ब्लू कलर में है और दूसरे येलो कलर में भी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ब्लू और येलो दो कलर्स में ये बाइसिकल्स अवेलेबल हैं। अभी ब्लू कलर के बारे में, जो बाइसिकल बाहर है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक की दिया गया है, हम जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले जो है वो ऑन करना हमारा शुरू हो जाएगा। अगर ये चाबी आपका ऑफ रहेगा तो ये डिस्प्ले आपका ऑन होगा नहीं। जब तक ये चाबी आप नहीं लगाते तब तक ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। जैसे ही चाबी ऑन किया तो ये डिस्प्ले ऑन हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले ऑन होने के बाद यहाँ पर चार पॉइंट दिखा रहा है जो बैटरी के पॉइंट्स हैं। ये लाइट का बटन है, जैसे ही इसको ऑन करेंगे यहाँ पर लाइट का ऑन दिखाएगा और आगे लाइट ऑन हो जाएगी। ये आगे लाइट है जो ऑन हो गई है अभी, और अगर वो बंद कर देते हैं बटन को तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये लाइट का बटन था। यहाँ पर पैडल असिस्ट के तीन मोड हैं, वो हैं ये ऑन ऑफ का बटन है। एक्सीलेटर में आप देख सकते हैं कि दो बटन दिए हैं, एक तो ये हॉर्न का बटन है और दूसरा ये क्रूज मोड है, मतलब जब आप एक्सीलेटर देते हैं और फिर वो बटन दबा देते हैं तो जो बटन जिस स्पीड पे आपने एक्सीलेटर दिया है उस स्पीड पे वो टायर आपका स्पीड पे लॉक हो जाता है, मतलब उसी स्पीड पे आपका साइकिल चलता रहेगा। जब तक आप ब्रेक नहीं लगाते तब तक वो स्पीड पे चलता रहेगा, जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं या एक्सीलरेट करते हैं तो वो बंद हो जाता है। तो ये क्रूज फंक्शन का बटन है। एक्सीलेटर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ग्रिप्स हैं उसके, और ये ब्रेक लीवर हैं, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वायरिंग को काफ़ी अच्छे से उन्होंने टाई किया है। ये लाइट आप देख सकते हैं, लाइट के अंदर ही इनबिल्ट हॉर्न है। तो एक बार लाइट को भी चालू करके देखते हैं, ये लाइट ऑन हो गया और हॉर्न भी है उसके अंदर, काफ़ी बढ़िया है हॉर्न भी। सस्पेंशन की बात करें तो हाई क्वालिटी सस्पेंशन यहाँ पर दिए गए हैं फ्रंट में, और डिस्क ब्रेक भी आगे और पीछे दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक दिया गया है। तो ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये सस्पेंशन जो है वो 80mm ट्रैवल वाले थ्रेडलेस सस्पेंशन हैं, जो कि मार्केट में बहुत कम लोग ये देते हैं। इसमें बैटरी की बात करें तो बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट है। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं, एक्सीलेटर से कैसे चलता है। तो आप देखिए ये विदाउट पैडलिंग चल रहा है सिर्फ एक्सीलेटर से। ठीक है, इसमें कोई पैडल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लाइट हॉर्न का भी डेमो हो गया। ठीक है, तो अभी साइड स्टैंड पर लगाकर इसका एक डेमो देख लेते हैं कि कितनी स्पीड से ये चलता है। देख सकते हैं, और यहाँ पर पैडल मोड में भी आपको पैडल असिस्ट सेंसर मिल जाता है, और 7-speed गियर दिए गए हैं, वो भी बढ़िया क्वालिटी के शिमानो के गियर्स हैं। वो भी आप देख सकते हैं शिमानो के गियर्स हैं, जो कि यहाँ पर शिफ्टर अलग से दिया गया है, वो 7-speed शिफ्टर है। और ये पैडल असिस्ट के 3-speed मोड है, तो पैडल से भी चलाने पर ये हमारा पैडल असिस्ट काम करता है। सीट की बात करें तो कंफर्टेबल सीट दिया गया है। पीछे की तरफ ये रिफ्लेक्टर हैं, इसमें मडगार्ड अगर चाहिए तो मडगार्ड भी एडिशनल एसेसरी में आप ले सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो ये बेसिक इसके फीचर्स हैं। टायर की बात करें तो टायर डबल वॉल रिम की, ये रिम जो है वो डबल वॉल रिम है, और इसके जो व्हील हैं वो भी इंडियन मेड हैं, मतलब वो रालसन कंपनी के टायर्स हैं, तो वो भी अच्छी क्वालिटी के टायर्स आते हैं।
और इसकी ग्रिप जो है वो पतले टायर की वजह से इसकी जो स्पीड और उसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी मिलती है, आप देख सकते हैं क्वालिटी। तो ये है बेसिक बाइसिकल और उसका लुक आप देख लीजिए। चलिए येल्लो कलर वाला भी एक मॉडल आपको दिखा देते हैं ताकि आपको येल्लो कलर में भी कैसा दिखता है वो पता चल जाए। येल्लो कलर का मॉडल आपको आराम से दिखा देते हैं। तो ये येल्लो मॉडल है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है। और भी बहुत सारी एसेसरी और बहुत सारे कंपोनेंट्स इनके पास रेडी स्टॉक में रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर कन्वर्जेशन की किट्स हैं, बाइक कन्वर्जेशन की किट्स हैं, लिथियम बैटरीज हैं, फुट पैडल थ्रोटल्स हैं, तो होवरबोर्ड के व्हील्स रहते हैं वो हैं, मिनी स्कूटर का 8 इंच का व्हील है वो भी है, मीटर्स भी रहते हैं, एंडरसन कनेक्टर जो आते हैं वो भी इनके पास एंडरसन कनेक्टर्स भी हैं, और एक्सेलेटर में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बाय थ्रोटल्स हैं इनके पास। तो बहुत सारा सामान जो है वो इनके पास रेडी स्टॉक में रहता है। बाइसिकल्स भी खुद ही बनाते हैं तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, और इनबिल्ट बैटरी होने से बैटरी जो है वो आपका काफ़ी सेफ हो जाता है। और दूसरा एक मॉडल भी है जिसमें डिटैचेबल ऑप्शन दिया गया है, तो आप डिटैच करके भी बैटरी निकाल के आपका ऑप्शन वो भी अवेलेबल है, तो जिसको जो ठीक लगे वैसा मॉडल ले सकता है। इसमें डिटैचेबल ऑप्शन में आपको बैटरी जो है वो मैक्सिमम 15 एम्पीयर तक मिल सकती है, 7.5, 10, 12 और 15 ऐसे मिलती हैं। और इनबिल्ट बैटरी की सिस्टम अगर लेनी हो तो आपको सिर्फ 10 एम्पीयर ही मिल सकती हैं, क्योंकि इसमें जो जगह है वो उसके हिसाब से अंदर की तरफ पाइप के अंदर उतनी ही रहती है। तो ये बेसिक डिटेल्स थे इसके बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताएं, और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, जैसे ये साइकिल अगर आपको खुद को बनानी है, अपनी साइकिल में इलेक्ट्रिक फिट करना है, तो उसके लिए भी किट्स अवेलेबल रहते हैं, तो वो किट के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए वो किट भी दिखाते हैं आपको जिसमें हब मोटर की सिस्टम रहती है। तो ये जो है वो सारे इलेक्ट्रिक बाइसिकल के किट्स हैं, अगर आप ये भी मंगवाना चाहें तो इसके बारे में भी आप हमारी वेबसाइट पे जाकर विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की डिटेल्स जैसे मैंने आपको साइकिल के ऊपर लिखा हुआ दिखाया वही हमारी वेबसाइट है। तो ये देखिए डिस्पैच हो रहा है हमारा मटेरियल, जिन जिन लोगों ने भी हमारे पास से किट का ऑर्डर किया था उनका हम लोगों ने पैकिंग करके रखा है। ये वेबसाइट की डिटेल्स हैं www.motorkit.in, तो इस पे जाकर आप डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करवाना है किट को तो भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, हमारा नंबर भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। थैंक यू।